हेलो फ्रेंड्स, वी आर फिट ब्रदर्स और आज हम लोग का टॉपिक है बिगिनर्स। मतलब एक बिगिनर्स को जिम में आगे पहले क्या करना चाहिए, वो वर्कआउट में क्या करना चाहिए एक्सरसाइज, क्योंकि एक बिगिनर जो रहता है वो बहुत कंफ्यूज रहता है। सो कुछ समझ में नहीं आता कि आज वर्कआउट में क्या करूँ। कोई ट्रेनर रहता है तो पूछ लेता है उससे, अगर पूछ नहीं पाते किसी से तो कहता हम लोग का ये वीडियो देखो, उसको पूरा मालूम पड़ जाएगा करेक्ट फॉर्म पोजिशन और पहले क्या करना है लास्ट में क्या करना है और पूरा वर्कआउट फॉर्म प्रॉपर फॉर्म के साथ। वार्मअप बहुत इंपॉर्टेंट है अपना जिम के लिए। तो पहला कैसा वार्मअप करेंगे, फर्स्ट वार्मअप हमारा रहेगा नेक स्ट्रेचिंग। नेक स्ट्रेचिंग क्या कैसा, नेक में इंजरी नहीं होनी चाहिए, इंजरी से बचना है तो पहले नेक स्ट्रेचिंग करने का ऐसा नेक स्ट्रेचिंग। दूसरा है हमारा रिस्ट स्ट्रेचिंग। और तीसरा स्ट्रेचिंग है हमारा 8-10 टाइम्स करना है, ज़्यादा नहीं। और फिर लेफ्ट में 8-10 टाइम्स। तो स्ट्रेचिंग करते हुए मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई जॉइंट पेन नहीं हो रहा है, ये सबसे आपको बचना। फिर अपना फोर्थ स्ट्रेचिंग है, वॉल का सपोर्ट लेंगे आप और ये स्ट्रेचिंग करेंगे, दोनों पैर का करेंगे और दूसरे पैर का सर सपोर्ट लेना क्योंकि आप बिगिनर हो आप। और ये हमारा स्ट्रेचिंग कंप्लीट हो गया। स्ट्रेचिंग आपको 5-8 मिनट में आपका स्ट्रेचिंग कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, और फिर अभी आप हम पहले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। पहला एक्सरसाइज रहेगा हमारा पुशअप्स। पुशअप्स में ऐसा देख लीजिए आप कैसा गैप ले रहा है और इतना ही रखना है। और टो पे भी कर सकते हैं, मगर आपको आता है तो, अगर आप बिगिनर है तो आप नी पे करेंगे। नी पे आप फोकस रखो और ऐसा नीचे जाओ, ऐसा ऊपर आओ, ऐसा नीचे जाओ, ऐसा ऊपर आओ, ऐसा नीचे जाओ और ऐसा ऊपर आओ। ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सरसाइज। आपको दो सेट करना है कि स्ट्रेंथ के हिसाब से 8-10 रेपिटेशन मार सकते हो। अभी हम बढ़ते हैं अपने सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। सेकंड एक्सरसाइज रहेगा हमारा लैट पुल डाउन, वो असद परफॉर्म करेगा और आपको बता दूंगा मैं कैसा करना है उसको। लैट पुल डाउन और कैसा मारना है देख लो आप, पोजिशन और अपना एंगल कैसा रहेगा। गैप थोड़ा सा लैंड रहेगा ना, उसको एक थंब का ग्रिप लेना है, तो चलो असद, और ज़्यादा बैंड नहीं करना है असद, थोड़ा सा इतना बैंड करना है, इतना बैंड करना है आपको। और इसका आपको दो सेट मारना है 8-10 रिपीटेशन, दुल के नहीं करना है, आपको नॉर्मल करना है। चल असर बस रहेंगे और अभी हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ बढ़े। थर्ड एक्सरसाइज रहेगा जो बिगिनर को कर रहे हैं, आप बिगिनर हो तो आपको कैसा, इसने 7.5 का वेट लिया है, आपको कितना 5 ले सकते हो और 2.5 ले सकते हो, और आपको कैसा परफॉर्म करना है आप देख लो। कितना लेट जा, चल नॉर्मल ये पोजिशन रहना है और एकदम चेस्ट के करीब लेना है, नीचे अप नीचे अप, पोजीशन आप देख लो कैसा मारना है, आप एकदम चेस्ट के करीब और ऊपर आना है आप। बस इसका आपको दो सेट मारना है, 8-10 रिपीटेशन आप मिनिमम मार सकते हो। स्टार्टिंग में आप बिगिनर हो, आपको ऐसा नहीं कि मैं दूसरे को देख के मैं वो उठा रहा 20 किलो तो आपको 20 किलो उठाना है, आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से। आपको एक दिन में बॉडी बिल्डर नहीं बनता है, आपको टाइम लगेगा, तो आप पेशेंस रखो। और अब थर्ड एक्सरसाइज देखो, थर्ड एक्सरसाइज है पैक डेक मशीन। पैक डेक मशीन जो असद परफॉर्म करेगा उसके लिए कैसा, ये आप हेड पे एडजस्ट कर लो और अपना पोजीशन देख लो कैसा है और सेम परफॉर्म करो जैसा असद परफॉर्म कर रहा है। चल असद 1, चल परफेक्ट है, चल 2, परफेक्ट है, चल 3, चल सही है, चल 4, चल परफेक्ट है, चल 5, 6, चल 7, ये 8-10 रेपिटेशन मारना है अपने हिसाब से और शायद दो सेट मारना है आपको। एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस। शोल्डर प्रेस अपना सुल्तान बता देगा आपको कैसा करना है और एकदम रियल परफेक्ट फॉर्म में बता देगा। 1, चल 2, चल 3, फील करके शोल्डर को मार दी, रिजल्ट मिलेगा। यह आप अपने हिसाब से वेट ले सकते हो, जैसे कि आपको जितना 2.5 किलो का जमता है तो 2.5 किलो का वेट लो, क्योंकि आप बिगनर हो। अगर आपको ऐसा खड़े रह के नहीं जमता तो ये आप सीटेड भी परफॉर्म कर सकते हो आप। चलो सुल्तान कैसा, ये थोड़ा सा बाहर ना, शोल्डर अपना इधर इसके चिपका के रहेगा और ये
एट टू टेन रिपीटेशन, एट टू टेन रिपीटेशन मारना है आपको, ज़्यादा नहीं मारना, दो ही सेट मारना है। वो एक्सरसाइज हो गया, अभी हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज है बाइसेप्स का, बाइसेप मशीन। ये मशीन कैसा सबके जिम में रहता है, और फॉर्म कैसा है परफेक्ट देख लो, परफेक्ट फॉर्म और परफेक्ट पोजिशन। चल स्टार्ट करें सर, ईजी। चल मेक श्योर ये आपका हैंड लॉक रहे, और ये कैसा फील करके मारना है, मसल और माइंड कनेक्शन आपको रखना है। इससे कैसा आप मसल माइंड कनेक्शन आप रखोगे तो आपका ग्रोथ जल्दी होगा, और आपको पता चलेगा कि हाँ आपके बाइसेप बढ़ रहा है, आपको फील हो रहा है वो चीज़। और इसका दो सेट मारना है आपको, ज़्यादा नहीं मारना है, वेट भी नॉर्मल रखना है आपको, और 8 to 10 रिपीटेशन मारना है, ज़्यादा नहीं। कैसा आप फर्स्ट दिन है आपका जिम का, ज़्यादा वर्कआउट करोगे फिर पेन होगा, दूसरे दिन नहीं आओगे फिर जिम से मन उठ जाएगा आपको, ये कैसा नॉर्मल परफॉर्म करना है। हर सेट के बाद आपको थोड़ा सा पानी भी पीना, एक एक सिप पीना है, कैसा आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, उससे आपको डिहाइड्रेशन से बचना है तो आपको पानी पीना पड़ेगा, और वो पानी बैठ के पी। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप, और ट्राइसेप के लिए ये मशीन करना है अपना, आप देख लो गैप, थम अंदर कर, हाँ ये थम अंदर रखे, और एक थम का गैप लेना है, एक थम का गैप, और इसका दो सेट मारना है आपको, दो सेट 8 to 10 रिपीटेशन ही मारना है, ज़्यादा नहीं मारना है आपको, तो ये परफेक्ट है। आपको ये लॉक रखना है, ज़्यादा आगे नहीं लेना, ज़्यादा पीछे नहीं लेना, और कैसा परफेक्ट शेप में आएगा फिर आपका ट्राइसेप, और 8 to 10 रिपीटेशन नॉर्मल। नेक्स्ट एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज है डंबल स्ट्रक, ये आपको इधर थोड़ा सा गैप रखना है इसमें, और ऊपर लेना है, ऊपर अप और नीचे लेना है, अप और नीचे लेना है, और आपको कैसा नॉर्मल स्टार्टिंग में 7.5-10 का वेट लेना है, और इसका आपको दो सेट मारना है, दो सेट 12 to 15 रेपिटेशन मारना है आपको, कैसा 12 to 15 रेपिटेशन मारना है और फील करके मारना है। स्ट्रक खत्म हो गया हमारा, फुल वर्कआउट आपका बिगनर का खत्म हो गया, और इसमें कैसा अभी स्ट्रेचिंग बताना है आपको, और स्ट्रेचिंग कैसा रहता है बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, बोले छोड़ क्या स्ट्रेचिंग करना, मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे फिर आपका बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगा, और बॉडी फ्लेक्सिबल के लिए आपको स्ट्रेचिंग जरूरी है, और हम आपको 3 से 4 ऐसा स्ट्रेचिंग बताएंगे जो नॉर्मल है आप कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेचिंग। फर्स्ट स्ट्रेचिंग आपको करना है ये हैंड का, फुल ऐसा पूरा फुल करना है आपको, और उसको फिर उल्टा करके ऐसा करना है, तो दोनों हाथ का करना है, सेम दोनों हाथ का, सेम दोनों हाथ का कर लिया आपने, फिर आपको ये शोल्डर स्ट्रेचिंग करना है, शोल्डर स्ट्रेचिंग करना है आपको, हाथ की तरह ये दूंगा, शोल्डर स्ट्रेचिंग करना है आपको, फिर आपको ये शोल्डर और अपना टाइटिंग दोनों हाथ का करना है आपको, अपना स्ट्रेचिंग 10 to 15 सेकेंड कर सकते हो आप, दो दो बार करना है आपको, ये सब दो दो बार परफॉर्म करना है। फिर नेक्स्ट स्ट्रेचिंग देखते हैं कि आपको बैक स्ट्रेचिंग करना है, बैक स्ट्रेचिंग के लिए आपको सबसे आपको ये दो बार परफॉर्म करना है, 10 to 15 सेकेंड कर सकते हो आप, ज़्यादा नहीं करना है आपको। फिर आपका इसके बाद लास्ट जैसे कि चाइल्ड पोज, चाइल्ड पोज आपको ये बेस्ट रहेगा आपको फुल बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए, आपको दो सेट करना है, 20 सेकंड नॉर्मल करना है आपको, दो दो बार करना है। फिर आपका थोड़ा ये वीडियो बिगनर वीडियो आपको कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगा तो फॉलो करो फर्स्ट वीक, हम लोग नेक्स्ट आपको बता देंगे कि नेक्स्ट क्या करना है सेकंड वीडियो में, और जैसे कि कोई पर्सन भी नहीं दे रहा है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो ये हमारा वर्कआउट वो फॉलो कर रहे हैं, हम लोग पर्सनली मतलब हम लोग शादी में हम लोग को बताने वाला नहीं, हम लोग कुछ भी कर लिए, क्योंकि हमको उतना टाइम दें, हम नहीं चाहते कि आपको उतना टाइम दें, हम चाहते कि आपका जल्दी से जल्दी मतलब नॉर्मल आपका जितना जल्दी हो सके उतना बन जाए, और हम आपका हेल्प करना चाहते हैं। लोगों को बताओ मतलब कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा वीडियो, अगर आपको डायट प्लान की तो हम डायट भी प्लान बता देंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो हम डायट भी बना देंगे, सेकेंड पार्ट भी बनाएंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो फिर बेटर को अपना प्यार दो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो।